हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशियाना में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ एक G+2 मॉडल ज्योति कुची लोकरा रोड एरिया के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट, ये अपना G+2 प्रोजेक्ट है। टोटल 8 यूनिट्स, ये पेंट हाउस को मिलाकर अपना 8 यूनिट्स के साथ ये प्रोजेक्ट, खूबसूरत सा प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन में है। एंड ऑलमोस्ट इसका सारा यूनिट सेल आउट हो चुका है। बस अभी हमारे पास एक ही यूनिट अवेलेबल है और वो है आपका पेंट हाउस, जो कि G+2 सेकेंड फ्लोर के टेरेस पे है। सॉरी, लोकेशन को चेंज करना पड़ा, बाहर आपका बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था क्योंकि फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा लोकेशन को चेंज करते हैं। एंड हम बात कर रहे थे लोकेशन के बारे में, तो ये अपना ज्योति कुची लोकरा रोड में है। अगर मैं बात करूँ मार्केट्स की, तो बिल्कुल नियर बाय आपका वॉकिंग डिस्टेंस पर मार्केट्स है। एंड ये प्रोजेक्ट आपका मेन रोड से हार्डली 300-400 मीटर्स डिस्टेंस में है। अगर हम बात करें स्कूल्स एंड कॉलेजेस की, तो बिल्कुल नियर बाय आपके 1 किलोमीटर to 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें से ज्ञान एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द गुड स्कूल, वो आपको बिल्कुल नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। और डेली ग्रोसरीज के लिए भी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस में हमारे पास ग्रोसरीज वगैरह बिल्कुल अवेलेबल है। कम्युनिकेशन आपका बहुत सही है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है G+2 मॉडल में सेकंड फ्लोर के टेरेस में अपना ये पेंट हाउस है 800 स्क्वायर फीट का। एंड मैं आपको बता दूं, ये आपका सेमी फर्निश्ड है, फॉल सीलिंग हमने कर दिया है, सारे रूम्स पे हमने कर दिया है, ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ, 2 बेडरूम्स के साथ, 1 टॉयलेट बाथरूम के साथ, 1 किचन के साथ हम आपको ये फ्लैट दे रहे हैं। फुल्ली कलर्ड हमने कर दिया है, टाइल्स वगैरह हमने लगा दिया है, फॉल सीलिंग हमने कर दिया है तीनों ही रूम्स पे। तो चलिए अभी हम इस फ्लैट का वीडियो को देख लेते हैं, आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये है आपका एंट्रेंस और चलिए भी अंदर चलते हैं। ये है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग और आप ऊपर देख सकते हैं फॉल सीलिंग हमने कर दिया है। एंड चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। एंड हमने टाइल्स वगैरह भी हमने लगा दिया है। एंड अगर मैं बात करूँ डायमेंशन की, तो जैसे मैंने बताया, इसका डायमेंशन है आपका 20 फुट बाई 10 फुट का, चौड़ाई है आपका 10 फुट और लंबाई है आपका 20 फुट। एंड आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम में हमने बहुत ही खूबसूरत सा कलर लगा दिया है, पिंक कलर में हमने दिया है। एंड अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। एंड आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग भी हमने ऑलरेडी कर दिया है, 2 फैन का सिस्टम हमने दे दिया है, हुक दे दिया है। एंड मैं आपको ये दिखा दूँ कि हमने कंसील वायरिंग हमने कर दिया है इसमें, और हमने मॉड्यूलर स्विचेस हमने प्लेस कर दिया है। अगर हम एंटर करते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में आपका ये मीटर बॉक्स पड़ेगा। एंड चलिए अभी हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। एंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका बेडरूम का डोर है। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माइका के साथ हमने कर दिया है। एंड सारा रूम आपको बहुत स्पेशियस दिखेगा क्योंकि कलर हमने बहुत मैचिंग के साथ हमने कलर दिया है। एंड ये अपना 11x12 का आपका बेडरूम है। एंड आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग भी हमने काफ़ी सिंपल में और डिज़ाइन में हमने कर दिया है। एंड सारे ही रूम में आपको वेंटिलेशन मिलेंगे, हमने बिग साइज के विंडोज हमने प्लेस कर दिया है। एंड आप यहाँ एसी पॉइंट भी हमने दे दिया है, वहाँ आप एसी लगा सकते हैं। मॉड्यूलर स्विचेस का हमने फैसिलिटी दे दिया है। एंड ये आपका कलर आपका काफ़ी लेमन ग्रीन में हमने दिया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। और चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम में। तो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट बेडरूम और उसके सेम इसका माइका भी हमने ऐसे प्लेस किया है और सेम कलर में। एंड आप इस बेडरूम को देखिए, वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी सही है। एंड आप देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा डिज़ाइनेबल सिंपल बट डिज़ाइन में हमने फॉल सीलिंग हमने प्लेस कर दिया है। और चलिए अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ आपका एक कॉमन सिंक बैठने वाला है, ये आपका टॉयलेट का स्विच बोर्ड। एंड यहाँ और एक स्विच बोर्ड बैठने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रिज के लिए, या फिर फ्रिज का स्पेस हमने अंदर भी दे दिया है। आप देख सकते हैं ये अपना किचन जो कि 8 फुट बाई 6 फुट का है, और यहाँ हमने स्पेस छोड़ दिया है। यहाँ आप अपना फ्रिज और ओवन के लिए आप जगह बना सकते हैं। एंड यहाँ हमने एट द सेम टाइम स्विच बोर्ड दे दिया है। एंड यहाँ थोड़ा सा काम बाकी है सिंक के लिए। और आप ये देख लीजिए, ये अपना किचन, वेंटिलेशन हमने दे दिया है सारे रूम्स, बाथरूम्स, बेडरूम्स, किचन में हमने वेंटिलेशन दिया है। नीचे आपका
मॉड्यूलर वार्डरोब्स बनाने के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया है। एंड आप देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से बाहर भी। एंड हमने टाइल्स जो है वो हमने 2 फुट का टाइल्स हमने दे दिया है। एंड चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पेंट हाउस का बाथरूम को। ये हमारा बाथरूम। एंड अगर हम बात करें बाथरूम की तो वाइट टाइल्स में इन्होंने दिया है, वो काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। वाइट लाइट कलर लगाने से और ज़्यादा बड़ा भी दिखता है। तो इसका अगर मैं डायमेंशन का बात करूँ तो 8 फुट बाई 4.5 फुट का है। इंडियन स्टाइल हमने टॉयलेट दिया है, वेंटिलेशन एट द सेम टाइम वेंटिलेशन भी दिया है। और अगर मैं बात करूँ टाइल्स की तो ये आपका 7 फुट का हमने टाइल्स दे दिया है। गीज़र पॉइंट हमने दिया है और आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने एक बेसिन के लिए हमने एक स्पेस छोड़ दिया है। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने आपको सब कुछ इस फ्लैट के बारे में बता दिया है। और अभी हम आते हैं फाइनल जो क्वेरी है कि विशाल जी इसका प्राइस कितना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही रिजनेबल सा प्राइस है। और आप में से कहीं हमारे व्यूअर्स का रिक्वायरमेंट था कि विशाल जी हमें 25 लाख के अंदर आप हमें दिखाइए एक पेंट हाउस या एक घर हमें दिलाइए 25 के अंदर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 25 के अंदर। एंड 25 भी नहीं है, इसका प्राइस है 23 लाख एंड वो भी निगोशियबल है। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से हमें फ़ोन घुमाइए और अपना साइट विजिट बुक कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सा घर है, वेंटिलेटेड हाउस है एंड कलर हमने ऑलरेडी कर दिया है, फॉल सीलिंग हमने कर दिया है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ, 2 बेडरूम्स के साथ, 1 टॉयलेट बाथरूम के साथ और 1 किचन के साथ ये पेंट हाउस अवेलेबल है। 800 स्क्वायर फीट का सेकंड फ्लोर के टेरेस में ये अवेलेबल है। विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हाँ, अगर आप ये फ्लैट नहीं देखते बट आपके रिलेटिव या अगर आपके किसी फ्रेंड को ये ऐसा कोई सिमिलर फ्लैट चाहिए तो आप प्लीज़ उनके साथ ये फॉरवर्ड कीजिए और उनको उनका सपनों का घर दिलाने में मदद कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।